नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीनी सेना द्वारा गलवान में जो अच्छी हरकत हुई उससे केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में उस पर थू-थू हो रही है। हालत यह है कि कोरोना फैलाने के आरोप झेल रहा चीन अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। नेपाल और पाकिस्तान जैसे फ्रंटियर देशों के अलावा कोई भी देश उसके साथ नहीं है। यह देश भी इसलिए चीन के साथ है क्योंकि इनका गुजारा चीन की झूठन पर निर्भर है। बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने सैनिकों की शहादत को बेहद गंभीरता से लिया है। पूरे देश में जहां चीन के प्रति गुस्सा है, वहीं चीन को सबक सिखाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारत की मोदी सरकार पर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेकर जनता को साथ करने पर मंथन कर रही है। यानी बातचीत के बीच एलएसी पर जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। पर इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर ने दुनिया में खलबली मचा दी है। भारत ने कल देर शाम से भारी सैन्य बल को एलएसी की ओर रवाना कर दिया है। एलएसी की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही आईटीबीपी को भी सेना के हवाले किए जाने की चर्चा है। ऐसी भी सूचना है कि ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट को पूरी तरह चौकस कर दिया गया है। इस यूनिट में 1000 से ज्यादा सैनिक हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत इस बार चीन के चक्रव्यूह को तहस नहस करके अपना चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिसमें चीन की एकड़ी निकालने की पूरी रणनीति बना ली गई है। सेना को दी गई खुली छूट को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। इसका साफ मतलब यही है कि चीन को उसकी धूर्तता का दंड देने का फुलप्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। पर चीन की नींद उड़ाने के लिए केवल रणनीतिक तौर पर ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ा फंदा कसा जा रहा है। मोदी सरकार ने चीन विरोधी देशों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इन देशों में फिलीपींस, बुरुनेई, वियतनाम जैसे देश शामिल है, जबकि पश्चिमी देशों को चीन की करतूतों का कच्चा चिट्ठा भी उपलब्ध करा दिया गया है। चीन को एहसास हो चुका है कि उसका दांव उल्टा पड़ चुका है। बाहर से तोपची बनने वाला चीन अब बुरी तरह से घबराहट में है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा जारी हो रहे पीएलए के वीडियो उसके डर को छुपाने का आभास कराते हैं। मगर चीन की एकगिदड़ भभकी अब उसे भारत के क्रोध से नहीं बचा सकती है। उसने जो हरकत की है, सरकार हर स्तर पर उसका दंड देने का संकल्प ले चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गलवान वैली के पॉइंट 14 पर पीएलए के सैनिक अभी भी मौजूद है। चीन ने उन्हें वापस नहीं बुलाया है। भारत का अगला लक्ष्य है इसी पॉइंट से चीनियों को पीछे धकेलना है। इसके लिए सेना अपने तरीके से बड़ी प्लानिंग कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर चीनी जल्दी से वापस नहीं लौटते हैं तो यहां एक और कारगिल दोहराया जा सकता है। 60 से ज्यादा बोफोर्स तोपों की मौजूदगी यही सारा कर रही है। 4000 किलोमीटर की एलएसी पर इस वक्त चीन के 2,30,000 सैनिक तैनात है, जबकि भारत ने 2,50,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया है, जबकि बैकअप के लिए 80,000 से ज्यादा भारतीय जवान भेजे जा रहे हैं। यानी चीन का अहंकार ध्वस्त करने के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। खास बात यह है कि भारत ने अपनी आर्टिलरी को एक्टिव मोड में कर दिया है। भारत की आर्टिलरी की दुनिया में चीन से ऊपर गिनती होती है। टैंकों के मामले में तो भारत चीन से 1000 टैंक की बढ़त लिए हुए है। चीन के 3,500 टैंकों के मुकाबले भारत के पास 4,500 से ज्यादा टैंक है, जो कुछ ही घंटों में चीन में घुसकर भारी तबाही मचा सकते हैं। यानी चीन ने जंग के बीज लगभग बो दिए हैं। यह भारत की बजाय अब चीन को ज्यादा भारी पड़ने वाला है। 130 करोड़ भारतीयों के भीतर 1962 की टीस अभी भी बाकी है। अगर चीन यह सोचता है कि भारत केवल गलवान वैली तक ही सीमित रहेगा तो यह उसकी बेवकूफी होगी। भारत का निशाना तिब्बत और अक्साई चीन भी हो सकते हैं। जंग का विस्तार हुआ तो भारत अपने इस हिस्से को हासिल करने के लिए जरूर कार्रवाई करेगा। अक्साई चीन की तरफ कदम बढ़े तो पीओके का स्वरूप बदलना भी तय है। यानी इस बार मामला बहुत दूर तक जाने वाला है। भारत के पास यह ऐसा अवसर है जिसे वह शायद ना गवा पाए। दुनिया भारत के पक्ष में है, चीन हाशिए पर चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को और अधिक आक्रामकता प्रदान कर रहा है, जो कहीं ना कहीं चीन के विनाश का कारण बनने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।